तो मैं इससे पहले के मोहतरमा नसीम नहकमत साहब तक पहुँचूँ, मैं जनाब आदिल रशीद से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब आदिल रशीद मैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, मेरी हैसियत यहाँ एक मेज़बान की है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वक्त डॉक्टर कलीम कैसर को मिल जाए। नहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ पर आता रहता हूँ। एक दो शेर पढ़ दूंगा बस, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद आप जी भर के डॉक्टर साहब को सुनिए, ताहिर भाई को सुनिए, वसीम निकत को सुनिए। एक मतला ये है कि ताज़ा है बिल्कुल, फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, गुस्से में ज़रा सी देर में आप किसी को ब्लॉक कर देते हैं, वहाँ से एक मतला मैंने बनाया। गज़ल के गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। वाह, गुस्से में पहले ब्लॉक किया भी गया मुझे, क्या कह रहे आदिल बाबा, वाह, फिर फेक आईडी से पढ़ा भी गया मुझे। वाह। शेर ये है कि हसास इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, हसास इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। शेर यह है कि मैं खुशबूदार, जो इशारे कनाओं की बात समझते हैं, डॉक्टर कलीम कैसर ने 22 मुल्कों में निजामत फरमा चुका है, मैं उनको हसास इस कदर के बिछड़ने की सोच ली, मासूम इस कदर के बता भी गया मुझे। बहुत अच्छा। शेर यह है कि मैं खुशबूदार फूल, मुझे तोड़ा गम नहीं। वाह वाह वाह। मैं खुशबूदार फूल, मुझे तोड़ा गम नहीं, फिर ये सितम बदन पे मला भी गया मुझे। वाह 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 वाह। मैं खुशबूदार फूल, अरे बहुत अच्छा, गम नहीं, फिर ये सितम बदन पे मला भी गया मुझे। एक मतलब दो शेर, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से कहूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कलाम पढ़े। अर्ज करता हूँ कि जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। वाह वाह। जिस किसी दिन तुम, क्या नफ्सियाती, क्या नफ्सियाती मतलब कह दिया। वाह आदाब। जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। मेरा छोटा भाई अमान अली, आप किसी की गीबत करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं। मेरा शेर आप तक पहुंचना चाहिए, आपके हवालों में आना चाहिए। जिस किसी दिन तुम उसूलों के खड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम मियां सर जोड़कर, जिसकी गीबत कर रहे हो तुम मियां सर जोड़कर, आया तो सम्मान में उठकर खड़े हो जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद आदिल रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं पढ़ देता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ, वो आपकी पसंद का एक शेर पढ़ देता हूँ। एक शेर की फरमाइश है, उसके लिए मैं आया तो डॉक्टर साहब को आवाज़ देने था, लेकिन फरमाइश है मेरे अनस छोटा भाई है यहाँ, मुझे सुनीला में बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, अमान सुनीला में जीशान बहुत लोग हैं मेरे प्यार करने वाले। अर्ज करता हूँ कि ये अलग बात, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला, ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला। वाह वाह वाह। ये अलग बात मुकद्दर नहीं बदला, बहुत अच्छा, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना, इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। बहुत अच्छा। इश्क का खेल है शतरंज नहीं है जाना, मात खाई है मगर घर नहीं बदला अपना। अनस ये शेर तुम्हारे हवाले, अर्ज करता हूं कि जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, जाने जाने किस वक्त
अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला।